वैसे तो नोएडा देश का साफ सफाई के मामले में 11वीं रैंक वाला शहर है, परंतु हाल ही साफ सफाई व्यवस्था देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। सड़क के किनारे कूड़े, रेजिडेंट्स के आसपास जंगली घास का उगना इस बात का पुख्ता सबूत देते हैं कि सफाई अधिकारी और कर्मचारी पूरे तरीके से लापरवाह हैं। कहने को तो शहर की साफ सफाई व्यवस्था में 5600 कर्मचारी लगे हुए हैं और रजिस्टर पर पूरे कर्मचारियों की लिस्ट भी दिखाई जाती है, लेकिन धरातल पर इसका आधा भी देखने को नहीं मिलता। पैसे कहाँ जाते हैं इसका कोई अता पता नहीं है। आपको बता दें कि अथॉरिटी नोएडा की साफ सफाई पर साल में 939 करोड़ रुपए खर्च करता है। साफ सफाई का पूरा जिम्मा 4 प्राइवेट कंपनियों के कंधों पर है। फिलहाल ये कंधा बोझ से दबा हुआ दिख रहा है। गांवों कस्बों की सड़कें मानसून के समय कीचड़ से भरी पड़ी रहती हैं। आपको बता दें नोएडा से हर रोज करीब 1100 मैट्रिक टन कूड़ा निकलता है। इसमें करीब 700 मैट्रिक टन गीला व 400 मैट्रिक टन कचरा सॉलिड फॉर्म में होता है। नोएडा को साफ और प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए ठोस कूड़े को सेक्टर 80 और 119 में मटेरियल रिसाइकल फैसिलिटी सेंटर भेजा जाता है, जबकि गीले कूड़े को सेक्टर 145 स्थित डंपिंग ग्राउंड में डाला जाता है। और तो और, अब प्लास्टिक रिसाइकल्ड कर नोएडा अथॉरिटी पेवर ब्लॉक रोड भी बनाने की सोच रही है, जिससे रिसाइकल्ड प्लास्टिक का काफी अच्छी तरीके से यूज हो जाएगा।